बाबा रामदेव के मुताबिक 400 लाख करोड़ का काला धन। लाल कृष्ण आडवाणी के मुताबिक 25 लाख करोड़ का काला धन। लेफ्ट के मुताबिक करीब 10 लाख करोड़ का काला धन। सीबीआई के मुताबिक 24.5 लाख करोड़ का काला धन। जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक करीब 70 लाख करोड़ का काला धन। देशों में जमा और देश के अंदर जमा करीब 400 लाख करोड़ का देश को वापस दिलवाना, बड़े नोटों को बंद करवाना, मॉरिशस को बंद करना, जो ब्लैक मनी जमा करते हैं, ऐसे स्विट्जरलैंड के चार और इटली के 8 बैंक सहित और भी बहुत से अहम मुद्दे हैं। 400 लाख करोड़, ये इतना पैसा है पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा डिवाइड किया जाए तो एक हिस्से में आएगा 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। कितना चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम उससे ले आए ना, वो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। But first tonight, the big story. Around 638 people have declared their black money worth 3,770 crore rupees to the government in a three-month deadline that ended yesterday. Those who made these disclosures will now face 30% penalty and 30% tax on their unaccounted wealth. But the fact is that the government of Narendra Modi had said 80 lakh crore rupees were there in black money stashed in foreign accounts. So what happened to all that money? Has the black money drive hit a black hole? That's the big question and our top story tonight. आपने black money की बात करी, black money भी मुद्दा बना हुआ है। माना आप कह रहे हैं कि हमने तो SIT बना दी थी, हम एक्शन ले रहे हैं और पूरी कार्रवाई हो रही है और काला धन आएगा, लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आए। देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। सबकी इज्जत करनी, चाय वाले की इज्जत करनी है, चाय वाले की इज्जत करनी है, किसान की इज्जत करनी है, मजदूर की इज्जत करनी है, मगर जो उल्लू बनाता है उसकी इज्जत नहीं करनी।